हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए चलते हैं, आज करेंगे हम रीजनिंग में वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम के क्वेश्चन आज करेंगे रीजनिंग में। देखिए, वेन डायग्राम चालू करते हैं। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम इसे कहते हैं हिंदी में वेन आरेख। वेन आरेख, ठीक है, हिंदी में से क्या कहते हैं, वेन आरेख। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप इसमें देखेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो उसमें पहले क्या टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो बताते हैं। नॉर्मल कितने होते हैं, तीन होते हैं। देखो, एक रिलेशन होता है जिसे हम कहते हैं सभी। सभी मतलब इंग्लिश में कहें तो ऑल, तो सभी का मतलब ऐसे बनता है। ठीक है, यानी ये चीज़ इसके अंदर है, बड़े वाले के अंदर छोटी वाली चीज़ है, तो यानी इसके लिए ये ऑल कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही आता है एक कुछ का। ठीक है, कुछ का फिगर कैसे बनता है, ऐसे करके कुछ का फिगर ऐसे बनता है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन होता है वो कुछ कहलाता है। यहाँ पर कुछ के लिए ये पोर्शन होता है कुछ का। ठीक है, एक होता है नो, मीन्स नहीं। ठीक है, नहीं के लिए कौन सा फिगर होता है, जो एक दूसरे को कतई स्पर्श नहीं करते। ठीक है, एक दूसरे को कतई इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, वो नहीं के लिए होता है। सम इंग्लिश में कहते हैं इसे, सम। ठीक है, कुछ को, तो ये रिलेशन बनते हैं हमारे। नॉर्मली ये तीन रिलेशन होते हैं, फिर इनसे ही सब हमारे आगे क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम इन्हीं से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन हमने देखा, पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है मैंगोस फ्रूट, मतलब कहने का मतलब आम। ठीक है, और फल, इन दो के बीच में आपको रिलेशन निकालना है। तो आम और फल के बीच में रिलेशन निकालना है, तो अब आप देखिए कि कौन सा रिलेशन बनेगा इसमें। तो देखो, सभी जो आम होते हैं वो क्या होते हैं, फल होते हैं। सभी आम क्या होते हैं, फल में आते हैं। ठीक है, अगर हम आम कहेंगे तो वो किस में से निकल के आए हैं, फलों की कैटेगरी में से निकल के आए हैं। ठीक है, और अगर इधर से हम पढ़ेंगे इसे, तो इसे से पढ़ेंगे, कुछ फल होते हैं वो क्या होते हैं, आम होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, जो फल होते हैं कुछ आम होते हैं, और फलों में और भी वेरिएंट्स आ जाते हैं, जैसे पपीता, सेब, ऐसे करके आ जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो एक बात समझो यहाँ से ध्यान से। ठीक है, देखो जो ऑल का रिलेशन होता है वो एक साइड से बनता है। ठीक है, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सम मतलब कुछ फल आम हैं, मतलब इसमें हमें नहीं कहना है, क्योंकि ऑल का रिलेशन वन साइडेड होता है, एक तरफ से बनता है। तो इसमें नोट करके लिखना है आपको, जो ऑल का रिलेशन होता है वो एक साइड से बनता है आपका। ठीक है, तो ऑल का रिलेशन है, सभी का रिलेशन एक तरफ से बनता है, एक तरफ से बनता है, ये चीज़ नोट कर लीजिए। जो सभी का रिलेशन होगा वो आपका एक साइड से बनेगा। ठीक है, तो जो आम होंगे, ठीक है, ये जो आम होंगे, ठीक है, ये सभी किसके अंदर आएंगे, ये सभी आपके फल के अंदर आएंगे। तो ये जो सभी जो आम हैं, ये सब फल के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं ऑल का रिलेशन। ठीक है, तो आम और फल का ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही मान लो दूसरा क्वेश्चन होता, दूसरा क्वेश्चन है आपका आदमी और भाई, आदमी कॉमा भाई। अब देखो इसमें रिलेशन छांटो, इसमें कौन सा रिलेशन हो सकता है। तो इस आप ध्यान से देखोगे तो देखो, इधर से तो आप कहोगे कि कुछ आदमी भाई होते हैं, क्या होते हैं, कुछ आदमी भाई होते हैं, सही बात है आपकी, कुछ आदमी क्या होते हैं, भाई होते हैं।
और कुछ आदमी भाई होते हैं, कुछ अंकल होते हैं, कुछ फूफा जी, बहुत सारे रिलेशन होते हैं, हमारे वो होते हैं, ठीक है। इधर से तो कुछ का बन गया, पर इधर से आप अगर देखोगे तो जो सभी भाई होते हैं वो क्या होते हैं, आदमी होते हैं। सभी भाई क्या होते हैं, आदमी होते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भाई औरत हो जाए, नहीं हो सकता ना। तो सभी भाई हमारे क्या होंगे, आदमी होंगे। तो हमने कहा था ऑल का रिलेशन एक साइड से बनता है, ठीक है। तो उस साइड से हम ऑल का रिलेशन बन जाएगा। ऑल का रिलेशन इस साइड से भी हो सकता है, उस साइड से भी हो सकता है, तो ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, भाई जो होगा उसका सर्कल छोटा होगा और उसके बाहर किसका होगा, आदमी का रिलेशन होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, ऐसे इसका रिलेशन बन जाएगा, ठीक। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखो इसमें, अब देखो इसमें दिया है अगला सवाल, तीसरा, तीसरे सवाल में क्या कह रहा है, औरतें और डॉक्टर, औरतें और डॉक्टर, ठीक है। औरतें और डॉक्टर, इसमें कौन सा रिलेशन है, देखो। तो कुछ औरतें क्या होती हैं, डॉक्टर होती हैं। अब देखो कुछ औरतें डॉक्टर होती हैं, अब हम ये नहीं कह सकते सभी औरतें डॉक्टर होती हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, बात समझ लीजिए क्यों। क्योंकि कुछ औरतें डॉक्टर होती हैं, कुछ टीचर होती हैं, कुछ हाउसवाइफ होती हैं, कुछ और भी होती हैं, ठीक है। और सारी लाइनें हैं, इंजीनियर होती हैं कुछ, तो ऐसे करके हम क्या कह सकते हैं, कुछ औरतें तो डॉक्टर होती हैं और कुछ ही डॉक्टर क्या होते हैं, औरतें होती हैं। कुछ डॉक्टर औरतें होती हैं। अब सभी डॉक्टर हैं औरत नहीं हो सकती, क्योंकि डॉक्टर में आदमी भी होते हैं, ठीक है। आदमी भी तो डॉक्टरी करते हैं, समझ गए, समझ गए ये बात। आदमी करते हैं, नहीं करते डॉक्टरी, ठीक है। और कुछ औरतें डॉक्टरी करती हैं, तो ये नहीं कह सकते कि सभी डॉक्टर औरतें होती हैं, ये नहीं कह सकते हम। तो इसमें समसम का रिलेशन बनेगा। तो समसम का मतलब क्या है, ऐसे दो फिगर खींचेंगे हम, ठीक है। तो इधर औरतें लिख दो, ठीक है, और इधर लिख दो आप डॉक्टर, ठीक है। तो ये रिलेशन बनेगा इन दोनों का, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन हुए, चलो आगे देखते हैं। इसलिए मैं बहुत आसानी से करा रहा हूँ जिससे आपको अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाए, ठीक है। और कंसेप्ट भी बता रहा हूँ आपको क्या हो रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, रैन और बाटर, मतलब रैन का मतलब है रेंस और बाटर, रेंस वर्षा और बाटर में से पानी। अब देखो रिलेशन, जो सभी वर्षा होती है उसमें क्या होता है, पानी। तो इधर से तो सही बन जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है कि कुछ वर्षा पानी होती हो, अरे वर्षा होगी तो उसमें पानी तो होगा ही, पूरा पानी होगा, ये तो है नहीं कुछ और उसमें गिर जाए, ठीक है। और सभी पानी वर्षा नहीं होता है, क्यों क्यों, क्योंकि पानी तो भाई कुछ नेचुरल हमें रिवर्स से मिल जाता है, ठीक है, कुछ झरनों से मिल जाता है, कुछ और एक्स्ट्रा मिल जाता है इधर उधर से, ठीक है। तो सभी वर्षा तो नहीं होता ना, ठीक है, समझ गए ना। हाँ, तो सभी नहीं होता। तो हमने कहा था सभी का रिलेशन किस साइड से बनता है, ओनली वन साइडेड होता है सभी का रिलेशन, तो ठीक है। तो हमें क्या करेंगे, वर्षा को हम अंदर रखेंगे और इसको पानी को हम बाहर रखेंगे, तो इनके बीच में कैसा रिलेशन बनेगा, ऐसा रिलेशन बनेगा इनके बीच में, ऑल का रिलेशन, ठीक है। ये हो गया नंबर पाँच। देखो क्वेश्चन पाँच, क्वेश्चन में कह रहा है वाहन और कार, वाहन कॉमा कार। अब देखो सभी वाहन कार होते हैं, सभी वाहन कार होते हैं, नहीं होते ना, क्योंकि सभी वाहन में तो बहुत कुछ आ जाता है, वाहन में कार, ठेला, मोटरसाइकिल, साइकिल, जो भी हम यातायात से चलते हैं, ठीक है, वो सब वाहन में आ जाते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, कुछ तो वाहन क्या होते हैं, कार होते हैं। और अगर उधर से देखेंगे, अब ये कह सकते हैं कुछ कारें वाहन होती हैं, नहीं, सभी कारें वाहन होती हैं, तो सभी होती हैं, ठीक है। तो सभी, जब एक साइड से सभी का बन गया तो दूसरी साइड से हमें कुछ बनाना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑल का रिलेशन
वन साइडेड होता है, ठीक है। अब देखो तो कैसे हमें कार लिखनी पड़ेगी अंदर और हमें बाहर लिखना पड़ेगा बाहर, तो इस तरह से इसका फिगर बन जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और हम अच्छी तरह से डिस्कस कर रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम करा दें और आपको कुछ पल लेना पड़े, वो नहीं कराऊंगा, डराऊंगा, ठीक है। आगे देखिए, चेयर फर्नीचर। चेयर मतलब कुर्सी होती है, ठीक है। अब हिंदी में लिख दे रहा हूँ मैं, कुर्सी क्वेश्चन नंबर 6 है और फर्नीचर, और इंग्लिश में लिखना है तो लिख लो चेयर्स, चेयर फर्नीचर, ठीक है। अब देखो कैसा रिलेशन बनेगा इन दोनों का, इन दोनों का ध्यान से देखो। कुछ कुर्सियाँ फर्नीचर होती हैं, कह सकते हैं, कह सकते हैं, नहीं कह सकते, क्योंकि सभी कुर्सियाँ होती हैं फर्नीचर। तो क्या होती हैं? सभी कुर्सियाँ किसके अंदर आ जाती हैं? फर्नीचर के अंदर आ जाती हैं। अब आप ये कहोगे कुछ कुर्सियाँ तो लोहे की होती हैं, प्लास्टिक की होती हैं और किसी मटेरियल से बनी होती हैं, पर वो सभी आती फर्नीचर के अंदर ही हैं, ये चीज़ नोट कर लो आप, ठीक है। वो सभी फर्नीचर के अंदर ही आती हैं, ठीक है। अब ये कहोगे कि कुछ फर्नीचर कुर्सियाँ होता है, वो तो बात सही है, पर रिलेशन किधर से? एक साइड से ऑल का बन गया तो बन गया, ठीक है। फिर दूसरी साइड से हमें सम का किसी का भी नहीं बनाना है, ठीक है, समझ गए। तो फिर इसमें क्या फिगर बन जाएगा? फिगर बन जाएगा, चेयर रह जाएगी अंदर और फर्नीचर हो जाएगा बाहर, ठीक है। इस तरह से इसका रिलेशन बन जाएगा फिर इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 7 देखो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, दिल्ली इंडिया, दिल्ली कॉमा इंडिया, हिंदी में कहें तो दिल्ली भारत। अब देखो इसमें रिलेशन देखो, जो दिल्ली है वो किसके अंदर आती है? भारत के अंदर। दिल्ली भारत के अंदर आती है तो सभी बनेगा, सभी दिल्ली किसके अंदर है? भारत के अंदर है। क्या भारत दिल्ली के अंदर है? नहीं है, भारत दिल्ली के अंदर नहीं है, दिल्ली भारत के अंदर है, ठीक है। तो उधर से कोई रिलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं, एक लंग से ऑल का बन गया है, तो बस दिल्ली तो अंदर हो जाएगी और इंडिया आपकी बाहर हो जाएगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा फिगर आपका, ठीक। चलो 8वां फिगर देखते हैं अब, ठीक है। 8वां सवाल, और 8वें सवाल में देखते हैं क्या दिया है हमें। दिया है यहाँ पे मैन और टीचर, मैन कॉमा टीचर, टीचर्स, मैन और टीचर्स दिए हैं हमें, ठीक है। अब देखो मैन क्या होता है? आदमी, और टीचर अध्यापक, ठीक है। अब देखो कुछ आदमी अध्यापक होते हैं, कुछ आदमी अध्यापक होते हैं, सम मतलब कुछ, कुछ का रिलेशन बनेगा कुछ आदमी अध्यापक होते हैं और कुछ अध्यापक आदमी होते हैं, तो इधर से भी क्या बनेगा? सम का बनेगा, सम यानी कहें तो कुछ का। अब देखो अब ये डाउट दूर करते हैं, कोई कहेगा कि ऑल का बनेगा। देखो कुछ आदमी अध्यापक होते हैं, सभी आदमी अध्यापक नहीं होते, क्योंकि औरतें भी तो अध्यापक होती हैं, ठीक है ना, औरतें भी अध्यापक होती हैं, तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि सभी आदमी अध्यापक होते हैं, औरतें भी अध्यापक होती हैं, इसलिए हम कुछ कह सकते हैं। और अध्यापक जो होते हैं, सभी अध्यापक में आदमी नहीं आ जाते, औरतें भी आती हैं, इसलिए हम उन्हें भी कुछ आदमी कह सकते हैं, कुछ आदमी अध्यापक होते हैं, ठीक है। और कुछ अध्यापक आदमी होते हैं, कुछ अध्यापक जो बन जाते हैं वो आदमी होते हैं, कुछ लेडीज अध्यापक होती हैं, तो कुछ कुछ का रिलेशन बनेगा, यानी हम कहें तो मैन और
टीचर में रिलेशन बनेगा कुछ का, ठीक है। तो इस तरह से आप, ये प्लस नहीं है, ये टी है, ठीक है, टीचर के लिए। तो इस तरह से आप बना सकते हो। चलो नौवां देखते हैं। नौवां सवाल, कहा है इसने, टीचर इंजीनियर, ठीक है, टीचर, टी ए सी एच ई आर एस, टीचर्स इंजीनियर्स, इंजीनियर्स, ठीक है, टीचर और इंजीनियर्स मतलब अध्यापक, अध्यापक और इंजीनियर, अध्यापक और इंजीनियर। अब देखो, अध्यापक और इंजीनियर, ठीक है। अब देखो, कुछ अध्यापक जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्या होते हैं, इंजीनियर होते हैं। कुछ अध्यापक होते हैं वो इंजीनियर होते हैं। तो यहाँ तो हो गया सम का, ठीक है, कुछ। अब आप ये सोच रहे होगे कुछ अध्यापक इंजीनियर कहाँ से हो गए। अब देखो ये बताओ, जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग की आपने पढ़ाई की और मान लो उसी स्कूल में आप पढ़ाने लगे, तो क्या पढ़ाओगे, इंजीनियरिंग का कुछ पढ़ाओगे ना, तो आप टीचर कहलाओगे नहीं कहलाओगे, जो कि आप पढ़ा रहे हो इंजीनियरिंग। तो जब आप पढ़ाने लगते हो, पढ़ाता है कोई टीचर हमें इंजीनियरिंग का कोर्स, तो वो भी तो एक टीचर कहलाता है, पर वो आता इंजीनियरिंग से ही है, ठीक है ना। इसी प्रकार कुछ इंजीनियर टीचर होते हैं, बात सही है, और कुछ टीचर इंजीनियर होते हैं। तो किस किस का रिलेशन जा रहा है दोनों से, दोनों से रिलेशन जा रहा है सम का, यानी टीचर और इंजीनियर में रिलेशन कैसा होगा, सम का, समझ गए। तो सम का फिगर ऐसे बनता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्टूडेंट और बॉयज, ठीक है, स्टूडेंट्स नंबर 10, स्टूडेंट्स कॉमा बॉयज, ठीक है, स्टूडेंट और कौन, बॉयज, यानी छात्र, ठीक है, छात्र और लड़के, ठीक है, स्टूडेंट, सभी छात्र और लड़के। देखो, जो कुछ छात्र होते हैं वो क्या होते हैं, लड़के होते हैं कुछ, ठीक है। अब ऐसा नहीं है सभी छात्र लड़के ही होते हैं, लड़कियां भी तो होती हैं, ठीक है। उसी प्रकार कुछ लड़के छात्र होते हैं क्योंकि उसमें लड़कियां भी आती हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ का रिलेशन बनेगा, यानी स्टूडेंट और बॉयस, तो फिगर बन जाएगा ऐसा, स्टूडेंट और बॉयस का फिगर ऐसा बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नंबर 11, ठीक है, 11वां नंबर देखो, ठीक है, 11वां नंबर देखो, 11 में कह रहा है क्या, ब्रदर और हस्बैंड, ठीक है, ब्रदर और हस्बैंड मतलब ब्रदर और हस्बैंड, ठीक है, मतलब भाई और ये कौन हो गया, पति, ठीक है। तो अब देखो, सभी भाई क्या पति बन जाते हैं, कुछ की तो शादी नहीं होती है कि नहीं है, तो कुछ तो भाई क्या होता है, जिनकी शादी हो जाती है वो पति बन जाते हैं, और कुछ पति भाई होते हैं, कुछ पति सम, कुछ पति भाई होते हैं। देखो, कुछ पति भाई होते हैं का मतलब ये है, कुछ और भी रिलेशन में आते हैं, कोई फूफा जी होते हैं वो पति बनते हैं, अब मान लो कोई और, जैसे और रिलेशन ले लो मामा का, कोई मामा होते हैं वो भी पति बनते हैं, ऐसे करके काफ़ी रिलेशन होते हैं वो भी तो पति बनते हैं, है कि नहीं है, ठीक है। तो कुछ का रिलेशन चलेगा, तो ब्रदर और हस्बैंड में किसका रिलेशन है, कुछ का रिलेशन है, ठीक है, तो कुछ का रिलेशन हो गया।
चलो अब आगे चले। क्वेश्चन नंबर 12, बारह में कह रहा है सिंगर और डांसर, सिंगर्स डांसर्स। अब देखो क्या है, सिंगर मतलब गाने वाले और डांसर नाचने वाले, ठीक है। तो कुछ जो सिंगर होते हैं जो गाते हैं वो डांस भी करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, कुछ तो करते ही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है जो कुछ जो गाता है वो डांस करना ही नहीं जानता है, वो भी जानता है। तो यहाँ क्या होगा, कुछ का रिलेशन। और कुछ डांसर होते हैं वो भी तो क्या होते हैं, सिंगर होते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ रिलेशन बन जाएगा, तो कुछ कुछ के लिए फिगर वही ये हो गया फिगर आपका, समझ गए, ठीक है। चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में चेयर और टेबल, चेयर टेबल चेयर, मतलब ये टेबल और ये चेयर, ठीक है, कुर्सी मेज। अब देखो कुर्सी और मेज में कोई रिलेशन है नहीं है, क्या, क्योंकि जो ये है टेबल वो अलग होती है और चेयर अलग होती है, तो इनमें एक में भी रिलेशन नहीं। तो इनमें दोनों में किसका रिलेशन बनेगा, नो का रिलेशन बनेगा, मतलब नहीं, तो कोई भी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये लो, ये फिगर बनेगा, टेबल ये टेबल और ये चेयर, ऐसे करके फिगर बनेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, 14 में क्या कह रहा है, एप्पल मैंगो, और 15 लिख लो, 15 में क्या कह रहा है, कैट्स डॉग, और 16 में कह रहा है कॉपी पेन, ठीक है। 17 में कह रहा है सिस्टर ब्रदर, ठीक है, सिस्टर ब्रदर। उसके बाद हस्बैंड वाइफ, 18 हस्बैंड वाइफ, फिर 19 मदर फादर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इनमें रिलेशन देखो ध्यान से, तो एप्पल और मैंगो में कोई रिलेशन होता है, नहीं होता है, तो ये नो का रिलेशन केस चला गया, ठीक है। कैट्स और डॉग में कोई रिलेशन होता है, नहीं होता है, अलग अलग होते हैं दोनों जानवर। कॉपी पेन में कोई अंतर होता है, कोई रिलेशन होता है, नहीं होता है, तो नो का रिलेशन गया। सिस्टर ब्रदर में कोई रिलेशन होता है, नहीं होता है, नो होगा, ठीक है। अब क्यों है, ये सेक्स के अनुसार है, ये फीमेल कैंडिडेट, ये मेल कैंडिडेट, ठीक है। ऐसे ही हस्बैंड एंड वाइफ में भी कोई रिलेशन नहीं, नो, और मदर फादर में भी सेक्स अलग है तो नो, तो सभी में नो, यानी ये वाला चित्र बनेगा आपका। तो आप किसी में भी लिख देना, एप्पल मैंगो, एप्पल इधर मैंगो, कैट्स डॉग, कैट्स डॉग कर दो, कॉपी पेन, कॉपी पेन कर दो, सिस्टर ब्रदर, सिस्टर ब्रदर कर दो, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ कर दो, मदर फादर, मदर फादर, ऐसे कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। तो इस तरह से ये तीन रिलेशन इसका भी, अब ये तीनों रिलेशन डिस्कस हो गए, ठीक है। अब देखो, अब देखते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे पूछेगा, ये तो इनके क्या होगा, इनके कंसेप्ट हो गए, ठीक है। अब इनके हम एग्ज़ाम में देखते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे पूछता है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन लिख लो, कैट्स डॉग्स पैट्स। तो पहला क्वेश्चन है, एग्ज़ाम पैटर्न है ये, ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न,
ठीक है, किसका है, एग्जाम पैटर्न का जो एग्जाम में आते हैं। ठीक, इसमें देखो कैट्स पैट्स डॉग, कैट्स ठीक है, पैट्स और डॉग, ये तीन दिए हैं। ठीक है, अब इनके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी, सी दिया है, ऑप्शन नंबर डी, डी दिया है, ऑप्शन नंबर ई, ई दिया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिए हैं और ये दिया है सवाल। हिंदी में कहें तो बिल्ली पालतू और कुत्ता, ठीक है, ये क्वेश्चन है, बिल्ली पालतू कुत्ता। पहले तो इनमें देखो इनमें रिलेशन कैसे बनते हैं, वो देखो ध्यान से। ठीक है, तो ये तो क्या है, ये तीनों इसमें किस के आए, ये तीनों किस कैसे हैं, ऑल ऑल और ऑल, ये तीनों ऑल ऑल का केस है। ये तीनों किसके हैं, नो नो नो, ठीक है, किसी से संबंध नहीं कोई भी। और ये किसके हैं तीनों, ये तीनों सम के हैं तुम्हारे, सम सम और सम, ठीक है। और ये किसके हैं, दो सम के हैं, सम सम, और ये किसका है, नो का है। कैसे है, समसम किधर भर रहा है, देखो ये भर रहा सम, ठीक है, और नो किधर भर रहा है, इन दोनों में नो का रिलेशन, एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं है इनका, ठीक है। और इधर समसम किधर भर रहा है, देखो इन दो के बीच ये भर रहा, ठीक है, फिर इन दो के बीच, इन दो के बीच ये भर रहा, ठीक है, फिर इन दो के बीच ये भर रहा पूरा, समझ रहा। तो इधर क्या बन जाएगा, इधर समसम का रिलेशन बन जाएगा, इसे मिटा के फिर से बना दूं, ठीक है। तो कैसे बनेगा, समसम का रिलेशन ये हो गया, और ये कौन सा रिलेशन है, इन दोनों में कोई संबंध है, नहीं है, तो नो, और ये दोनों इसके अंदर हैं तो क्या है, ऑल ऑल के रिलेशन है, ठीक है। तो ये इनके संबंध हैं, ठीक है, अभी समझा दिए, ये काफ़ी क्वेश्चनों में ऑप्शन यूज होंगे, ठीक है। तो अब देखो बिल्ली और पालतू में क्या संबंध है, क्या सभी बिल्ली पालतू होती हैं, नहीं होती हैं, कुछ बिल्लियाँ पालतू होती हैं, कुछ तो आवारी फिरती हैं, ठीक है। तो क्या होगा, कुछ का रिलेशन हो गया, ठीक है, कुछ कुत्ते पालतू होते हैं पर सभी कुत्ते पालतू नहीं होते, तो क्या आएगा, कुछ का रिलेशन, ठीक है। उसके बाद अब ये बताओ कि बिल्ली और कुत्ता में क्या रिलेशन है, इन दोनों में, तो इन दोनों में किसी का रिलेशन नहीं है, यानी नो का रिलेशन है, नो। तो क्वेश्चन ऐसा ढूंढो, पहले तो इसमें देखो पहले से ही हम एलिमिनेट करके दिखाते हैं, जैसे आपको मान लो तो हमें दो नहीं दिखे, आपने अभी कुछ देख लिया, तो इनमें कुछ देखो, देखो पहले वाले में कुछ कहीं नहीं है, सब ऑल ऑल चल रहे हैं, ठीक है, दूसरे वाले में कुछ नहीं है तो ये भी कट गया ऑप्शन, ठीक है, तीसरे वाले में कुछ 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 तीनों कुछ कुछ होंगे, तो अभी तो ये तो चल रहा है, ठीक है, चौथा वाले में कुछ है, सही है, ये भी चल रहा है, ठीक, पाँचवें में कुछ है नहीं है, तो ये कट गया, कुछ नहीं है, ठीक। अब देखो अब एक और रिलेशन निकाला, कुत्ते और पालतू में कुछ का रिलेशन, यानी अब दो सम होना चाहिए, ठीक है, इसमें तो दो सम है, ठीक है, इसमें भी दो सम है, पर ये तो कट ही गया, चलो दोनों का कंपेरिजन चल रहा है, अभी ये तो सब कट गए, ठीक है, अब ये दो दो बाकी हैं अभी ये, ठीक है, कुछ कुछ मिल गया। अब तीसरा देखो नो का रिलेशन, तो अब बताओ इसमें कहीं नो का रिलेशन है सी में, तो नहीं है, ये कट गया सी, तो इसमें नो का रिलेशन है, ठीक है। तो इसका फिगर कैसे बनेगा, ठीक है, तो
पेट्स पालतू हैं, कुछ बिल्लियाँ, ये बाग कुछ बिल्लियों वाला और कुछ कुत्तों वाला पालतू है। और भी जानवर होते हैं, देखो और भी जानवर पालतू होते हैं, तो उनके लिए बीच का पोर्शन छोड़ दिया हमने पूरा। समझ गए, नहीं समझ गए? चलो अब आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। ठीक है, ये चार ऑप्शन हैं। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पहला है, ठीक है, पांच है ऑप्शन, ये और रह गया बी, ए है, सी ए है, डी ये है, इसे मिटा लो लास्ट वाले को, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, इसमें देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या, भारत जयपुर राजस्थान, भारत जयपुर राजस्थान। नंबर दो, तीन, तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है पायलट, पायलट पायलट प्लेन और स्काई मतलब आकाश। ठीक है, नंबर चार, चार में क्या कह रहा है, वूमेन वाइफ मदर, औरत पत्नी माता। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, शर्ट टाई पैंट, तो शर्ट टाई पैंट। ठीक है, आगे नंबर छः, छः में कह रहा है कार बस ट्रेन, कार बस ट्रेन, कार बस ट्रेन। तो ये क्वेश्चन आपके होगा कितने, पांच। तो अब चलो इन्हें देखते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को देखने के लिए अब देखो ध्यान से इन्हें। ठीक, देखो पहला भारत जयपुर राजस्थान, ठीक है, तो देखो जो जयपुर होता है वो किसके अंदर आएगा, राजस्थान के अंदर, क्योंकि जयपुर भारत, वो राजस्थान की राजधानी ही क्या है, जयपुर है। तो ये ऑल का रिलेशन बनाएगा, किस साइड से, इस साइड से जो तीर जा रहा है, यानी ये अंदर रहेगा तो ये बाहर रहेगा। ठीक है, और ये जो राजस्थान है वो भारत में जाता है, तो किसका रिलेशन बनाता है, ऑल का रिलेशन बनाता है। ठीक है, ऑल का रिलेशन हो गया, उसके बाद ये राजस्थान होगा वो भी तो भारत के साथ ऑल का रिलेशन बनाएगा, तो बना दिया। जयपुर होगा वो भी भारत के साथ ऑल का रिलेशन बनाएगा। तो लिखने का तरीका कैसा है, ऑप्शन तो ये सही हो गया आपका, ये ऑप्शन नंबर दो के लिए, दो क्वेश्चन के लिए वो ए ऑप्शन सही है, पर इसे लिखेंगे कैसे वो देखो। ठीक है, इसे ऐसे लिखेंगे, इधर जयपुर, ठीक है, राजस्थान, ठीक है, और इधर इंडिया, समझ गए, जयपुर राजस्थान इंडिया, समझ गए ये बात। चलो दूसरा, तीसरा क्वेश्चन देखो, इसे मिटाते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पायलट प्लेन आकाश, ठीक है, पायलट प्लेन आकाश। तो अब देखो इसमें पायलट और प्लेन में अंतर देखो क्या है, पायलट प्लेन में संबंध देखो, तो जो पायलट होता है वो प्लेन के अंदर बैठा होता है। ठीक है, तो किसके अंदर, प्लेन के अंदर, तो किसका रिलेशन आएगा, ऑल का। ठीक है, मतलब सभी का, हिंदी में सभी कहते हैं। और प्लेन किसके अंदर होता है, वो होता है स्काई के अंदर, किसके अंदर होता है, आकाश के अंदर। अब ये पायलट तो प्लेन के अंदर है ही, आकाश के अंदर है ही है,
पहले तो प्लेन के अंदर है, फिर आकाश के अंदर, तो सबका किसका बनना है, ऑल का रिलेशन। तो ऑल का रिलेशन बनना है तो इसके लिए भी ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए सही। और लिखने का इसका अगर डायग्राम बनाओगे तो क्या बनाओगे, डायग्राम बनाओगे, पहले बनाओगे पायलट को, फिर ये किसके अंदर है, प्लेन के अंदर, फिर ये प्लेन किसके अंदर है, ये प्लेन स्काई के अंदर है, समझ गए। तो ये प्लेन किसके अंदर है, स्काई के अंदर है। तो इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा, ठीक है, देख लो ध्यान से। चलो आगे सवाल, औरत पत्नी माता, ठीक है, औरत पत्नी माता, तो कुछ औरतें पत्नी बन जाती हैं और कुछ पत्नियां माता बन जाती हैं, तो इधर से किसका रिलेशन जा रहा है, सम का रिलेशन जा रहा है। पर उल्टा देखो भाई, तो जो सभी माताएं होती हैं वो किसी न किसी की पत्नी होती हैं, तो किसका रिलेशन आएगा, सभी का, ठीक है। और जो सभी पत्नियां होती हैं वो किस क्या होती हैं, औरतें होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आदमी हो जाए, औरतें होती हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ औरतें के लिख दिया, हम यहाँ लिखे सभी, ठीक है। तो ये भी किसका बनाएगी, सभी का बनाएगी, और ठीक है, और सभी माताएं तो औरतें हैं ही हैं, ठीक है। तो अब देखो सभी सभी का सब में रिलेशन बन गया, तो कैसे लिखना है इसे, पहले पत्नी, पहले माता, माता पहले आएगी, माता वो किसके अंदर आती है, पत्नी के अंदर आती है, जब पत्नी होंगी तभी किसी की माता बन सकती हैं। फिर ये पत्नी किसके अंदर आती है, ये औरतों के अंदर आती हैं, तो इसका रिलेशन कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, देख लो ध्यान से। तो ये गया चौथा क्वेश्चन गायब। पांचवा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, शर्ट टाई पैंट, ठीक है, शर्ट टाई पैंट, तो बताओ शर्ट टाई पैंट में कोई रिलेशन है, नहीं है, शर्ट अलग होती है, पैंट अलग होता है, टाई अलग होती है, ठीक है। तो इन सब में रिलेशन किसका है, नो का, तो नो नो का कौन सा नियम है, ये रहा नो का, तो बी ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। कैसे बनाना पड़ेगा, शर्ट टाई पैंट, ये हो गया इसका फिगर, ठीक है। चलो इसे भी हटाओ यहाँ से, ठीक है। अब देखो कार बस ट्रेन, इनमें कोई रिलेशन है, नहीं है, ये भी सवाल अलग है, कार बस ट्रेन नो, नो, और इधर भी नो, तो नो नो का रिलेशन बना रहा, तो ये भी बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ से हो गए, ठीक है। अब देखो ठीक, अब देखो कुछ क्वेश्चन और देखो क्या दे रहा है, स्टूडेंट बॉयज डांसर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा, चलो कोई भी क्वेश्चन है ये, ठीक है, नंबर नंबर से क्या लेना देना। क्वेश्चन है स्टूडेंट बॉयज डांसर, स्टूडेंट्स बॉयज डांसर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, बॉयस होते हैं, तो किसका रिलेशन, सम का। कुछ बॉयस डांस करते हैं तो सम का, और कुछ डांसर होते हैं वो क्या होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो सम का। तो सभी में कैसा रिलेशन जाना है, सभी में रिलेशन जाना आपका सम का। और जब सम का रिलेशन जाएगा तो क्या फिगर बनेगा, ये बताओ, सम का रिलेशन भाई, ठीक है, अरे कहाँ जा रही है, ठीक है। तो सम का रिलेशन जाएगा तो क्या फिगर बनेगा, फिगर ये वाला फिगर, ठीक है। तो इसमें लिख दो स्टूडेंट बॉयस और डांसर, तो ये हो जाएगा आपका, समझ गए, बात आ गई समझ गई नहीं आ गई, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट गर्ल्स सिंगर, तो ये भी वही रिलेशन है। देखो इंजीनियर टीचर डॉक्टर, चलो हाँ, इंजीनियर टीचर और डॉक्टर,
डॉक्टर, ठीक है। अब इनमें रिलेशन बताओ, इंजीनियर डॉक्टर और टीचर में क्या रिलेशन होगा? तो देखो, इंजीनियर और टीचर में रिलेशन किसका है? सम का रिलेशन है, पहले ही बता दिया है। कैसे सम का रिलेशन है? जो कुछ इंजीनियर, जो इंजीनियरिंग पढ़े होते हैं, वो कुछ टीचर बन जाते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो वो भी तो टीचर ही कहलाते हैं, समझ गए समझ गए। तो कुछ टीचर होते हैं जो इंजीनियर होते हैं, और जो कुछ टीचर होते हैं वो डॉक्टर भी होते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज होते हैं उसमें पढ़ाते हैं, तो वो भी तो टीचर होते हैं। क्या रिलेशन रहेगा? सम का, कुछ का। पर डॉक्टर और इंजीनियर में किसका रिलेशन है? तो इनमें रिलेशन है आपका नो का, इनका कोई रिलेशन नहीं है। क्योंकि इंजीनियरिंग आपका अलग एक प्रोफेशन है, मतलब एक अलग से, मतलब स्टडी करते हैं अलग चीज़ की, और डॉक्टरी का अलग है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, तो नो का रिलेशन मिलेगा। तो ऐसा केस कब बनता है? तो ऐसा केस बनता है इस फॉरम में, ठीक है। तो अब कैसे रखना पड़ेगा? इंजीनियर इधर, डॉक्टर इधर, और इधर आपका क्या रहेगा? टीचर। तो इस तरह से इसका रिलेशन बन जाएगा आपका, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है क्या हो गया, कह रहा है ये, इसने पहले ऑप्शन दिए हैं, फिर इसके बाद इसने क्वेश्चन दिए हैं पांच। तो पहले ऑप्शन दे देते हैं बना बना के तुम्हें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, बी में क्या कह रहा है? ऑप्शन सी, सी में कह रहा है? ऑप्शन डी, डी में कह रहा है? ऑप्शन ई, ठीक है। तो ये ऑप्शन दिए हैं उन्होंने, कितने ऑप्शन हैं? पांच ऑप्शन हैं, ठीक है। तो अब इनसे हम निकालेंगे इनके आंसर, ठीक है। तो अब चलो देखते हैं, पहले लिख लेते हैं सभी क्वेश्चनों को क्रम वाइज। तो फर्स्ट, चलो फर्स्ट क्या है? कह रहा है प्लैनेट अर्थ मार्स, प्लैनेट अर्थ और मार्स, ठीक है। क्या है? मार्स। आगे नंबर दो, दो में कह रहा है ये, क्या कह रहा है? प्लैनेट मार्स सन, प्लैनेट मार्स सन। फिर आगे तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है सन स्टार मून, सन स्टार मून, ठीक है। नंबर चौथा, चौथे में कह रहा है हस्बैंड वाइफ फैमिली, हस्बैंड वाइफ फैमिली। फिर नंबर पांच में कह रहा है रैन लेक वाटर, रैन लेक वाटर। ये दिए इसने क्वेश्चन कितने? पांच। अब इन क्वेश्चनों को हमें करना है हल, ठीक है। तो चलो इन क्वेश्चनों को हम देखते हैं पांच को। देखो पहले क्या कह रहा है, प्लैनेट अर्थ मार्स। तो प्लैनेट मतलब ग्रह, अर्थ मतलब पृथ्वी, और मार्स मतलब मंगल, ठीक है। तो इनमें रिलेशन बनाओ। तो देखो ध्यान से, जो मंगल होता है वो एक ग्रह होता है, पृथ्वी भी एक ग्रह होती है, यानी जो इनका फिगर अब बनने वाला है वो फिगर बनने वाला है ये वाला। देखो अर्थ भी एक ग्रह है और आपका मार्स भी एक ग्रह है, तो ये किसके अंदर आ जाएंगे? सब प्लैनेट के अंदर आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होना चाहिए इसके लिए? ई, ऑप्शन नंबर ई सही है इसका, ठीक है।
आगे देखो, ऑप्शन नंबर ई हो गया, अब इसे हम हटा देते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हो गया था उसका, ठीक। अब क्या है, प्लैनेट मार्स और सन, तो यानी ये ग्रह, ये मंगल, ये भी क्या है ग्रह है एक, और ये सन सूर्य। अब देखो, जो मंगल है वो तो एक प्लैनेट है, मंगल तो एक ग्रह है, तो मंगल तो एक क्या है, ग्रह है, प्लैनेट है, पर ये सूर्य है वो तारा है, तो सूर्य तो अलग रहेगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलो हटाओ इसे, आगे देखो, सन स्टार मून, सन मीन्स सूर्य, स्टार मीन्स तारा, और ये एक चंद्रमा, ठीक है। तब देखो, जो स्टार और सन का रिलेशन है, ठीक है, सन क्या है, एक स्टार है, मतलब सूर्य एक तारा है, तो सन क्या है, एक स्टार है, ठीक है, पर ये मून एक उपग्रह है, तो मून अलग रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा रिलेशन एक हो जाएगा, ये डायग्राम, हाँ ये डायग्राम नहीं बनाया, ये डायग्राम बना लेना इसी में, अगला कुछ डायग्राम करके, ठीक है। तो ये रिलेशन हो जाएगा इसका, ठीक है, ठीक। अब देखो क्या क्या कह रहा है, और क्या है इसमें, ठीक, हस्बैंड वाइफ फैमिली, तो जो पति होता है, पति पत्नी, वो किस में रहते हैं, एक फैमिली में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, परिवार से ही तो बनता है, ठीक है, ठीक। अरे यार सॉरी यार, मैटर गया ये, चलो छोड़ दे सर, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन किए, ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को आराम से हमने कर लिया, ठीक है। अब देखो, एक सेकंड टाइप के क्वेश्चन और आते हैं इसी में, वो भी डिस्कस करा देते हैं, वीडियो लंबा जाता है, जाने दो उसे, ठीक है। टाइप नंबर सेकंड टू, ठीक है, टाइप नंबर टू। तो देखो, टाइप नंबर टू में क्या है, ऐसे रिलेशन कुछ जाते हैं, ठीक है, ठीक है, और ये बन गया, और ये देखो, ठीक है, ये आपका रिलेशन हो गया, ठीक। अब देखो, इसमें कोई नंबरिंग लिखा होगा, जैसे मान लो इसके अंदर हम नंबर लिख देते हैं, 10, 5, 4, 3, 2, 6 और इधर 8 लिख दो, ठीक है। अब मान लो मैं ये कह दूँ कि ये जो है वर्ग, वो है मान लो व्यापारियों का, ठीक है, ये व्यापारी व्यवसाय करने वाले हैं, और ये जो क्या है, ये हैं टीचर, पढ़ाने वाले, अध्यापक, और ये जो हैं आपके, ये हैं आपके, ये आपके हैं व्यापारी, अध्यापक, और ये ले लो आपके मजदूर, ले लो मजदूर, ठीक है, ऐसे करके ले लो मजदूर। अब देखो, क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है वो ध्यान से देखना। देखो, क्वेश्चन इसी में हम बनाते हैं, तो क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये बताओ, ऐसे कितने व्यापारी हैं, क्वेश्चन ध्यान से, ऐसे कितने व्यापारी हैं जो अध्यापक भी हैं, ऐसे कितने व्यापारी हैं जो अध्यापक भी हैं, ठीक है। तो अब देखो, व्यापारी प्लस अध्यापक, ठीक है, व्यापारी और अध्यापक,
दोनों पूछा उसने, ऐसे कितने व्यापारी हैं जो अध्यापक भी हैं, तो बताओ ऐसे कितने व्यापारी हैं जो अध्यापक भी हैं। तो अब देखो इस व्यापारी और अध्यापक में जो कॉमन मिलेगा वही तो होगा, ठीक है बात आगे समझ। तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें सर्कल में और इसमें ट्रायंगल में, तो देखो इस सर्कल और ट्रायंगल में क्या मिल रहा है, 3 और 4 दोनों कॉमन मिल रहे हैं। अब देखो उसने ये नहीं कहा है कि ऐसे कितने व्यापारी हैं जो अध्यापक भी हैं परंतु मजदूर नहीं है, ये नहीं कहा उसने। उसने ये कहा है ऐसे कितने व्यापारी हैं जो अध्यापक भी हैं, तो मजदूर भी इसमें जाएंगे जोड़ के, तो 3 और +4 = कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएंगे, ठीक है। अब वो यही क्वेश्चन रखता कितने व्यापारी अध्यापक हैं परंतु मजदूर नहीं है, मजदूर नहीं है, तो मजदूर नहीं है यानी मतलब मजदूर वाला पोर्शन हमें छोड़ देना है, तो केवल कितना रह जाता, तो 3 रह जाता इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर देता है। यहाँ पे ऐसे ही पूछ सकता है कि ये बताओ कि कितने ऐसे मजदूर हैं जो अध्यापक व्यापारी नहीं हैं, तो अध्यापक व्यापारी नहीं है तो कितना ये रह गया इधर की साइड पर सीधा, पूरा 8 रह गया। अध्यापक और इनसे रिलेशन ही नहीं है जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये कहता कितने ऐसे मजदूर हैं जो अध्यापक भी हैं, तो इन दोनों में जो कॉमन मिल जाता, पर इससे भी रिलेशन रखता है वो, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि व्यापारी नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर कहता व्यापारी नहीं होने चाहिए तो होता कैसे, अब मान लो इनमें दोनों में पहले कॉमन क्या मिल रहा था, 6 और 4 = 10 हो रहा था, जब उसने कहा कि व्यापारी, ये नहीं कहा कि व्यापारी नहीं होने चाहिए, तब ये 10 हो गया, ठीक है। अब वो कहता व्यापारी नहीं होने चाहिए, अब नहीं होने चाहिए तो कौन सा हट जाता, ये ट्रायंगल वाला हट जाता, यानी हमारा 6 आंसर हो जाता जब व्यापारी नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इस पे जो भी आंसर क्वेश्चन बनेगा वो आप निकाल लोगे आराम से, ठीक है। टाइप नंबर 2 ख़त्म, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये जो वेन डायग्राम का तो चैप्टर था RRU NTPC और ग्रुप डी के लिए, ये काफ़ी सफिशेंट है और इसे ही आप कर लीजिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि यहाँ पे आपकी RRU NTPC RRC ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए प्रतिदिन 2 वीडियो डाली जाती हैं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगी अगर आप इन वीडियो को देखते हैं। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी आप हमारे चैनल पे काफ़ी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जो काफ़ी यूजफुल हैं, ठीक है। और हर एक वीडियो को आप क्वालिटी बढ़ाकर ही देखें, क्योंकि कम क्वालिटी में वीडियो अच्छी नहीं चलती हैं, ठीक है, तो आपको आनंद भी नहीं आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।